छोटा ट्रैक्टर है बहुत ज्यादा तेल खाएगा, तेल की कंडीशन होती है जी जी, जितना आप लोड दोगे उतना ही तेल खाएगा जी। और जैसे आप बिल्कुल आरपीएम का डिपेंड करता है मेनली, जैसे आप इसको 1400 आरपीएम पे चलाओगे नॉर्मली जी जी, ये बहुत ही अच्छा एवरेज देगा। अच्छा अच्छा, और मेन इस पे डिपेंड करता है ड्राइवर का आपका कितना स्मूथ ट्रैक्टर चला। भेजे थे वहाँ कंपनी में भी जी जी जी, मेरा ट्रैक्टर देखने के बाद इसकी परफॉर्मेंस के बाद हाँ जी जी, तो पूछा उन्होंने, मैंने कहा इसको ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी हाँ जी, लेकिन इस सीरीज का मुझे पता है इस ट्रैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, एकदम ट्रैक्टर जो है किसान के हित का ट्रैक्टर है। तो इस पे आपने फुल लोड पे देखा थी कुछ डीजल का? हाँ, फुल लोड पे एम बी ब्लाउ चलाओगे 3 बॉटम वाला हाँ जी जी, तो तभी आपका 6 लीटर पी जाएगा, 6 लीटर का एवरेज आएगा ठीक। वैसे रोड पे देखा हो जैसे आपको, रोड पे इसका बहुत कम खर्चा है, रोड पे मतलब जो आपका 3500 पावर ट्रैक्टर। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज की वीडियो है न्यू होलैंड 65 HP का ट्रैक्टर भाइयों, 4-व्हील ड्राइव में, और कंप्यूटर मांझा भाइयों स्पेक्टर का है 8 फुटा। तो इस ट्रैक्टर के बारे में, कंप्यूटर मांझे के बारे में टोटल जानकारी किसान से लेंगे। पिछले साल हमारे भैया जी लेकर आए थे इस ट्रैक्टर को, और जब से लगातार 1 साल इन्होंने ये चला लिया, एम बी प्लाउ पर भी चलाया और कंप्यूटर मांझे भी चल रहा। तो आज की वीडियो में अभी यहाँ के ट्रैक्टर के ओनर से मिलवाऊंगे आपको, और इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी लेंगे। ये देख लो भाइयों 4-व्हील ड्राइव का कमाल, बिल्कुल मस्ती के साथ में ट्रैक्टर चल रहा। और जिन भाइयों को कंप्यूटर मांझा लगवाना है उनके लिए आज वीडियो में मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराऊंगे। तो एक बार चलते हैं किसान से मिलवाते हैं, एक बार आपको आपके चक्कर पर रुकवाते हैं एक बार, और अब जो है ट्रैक्टर के ओनर से आपको मिलवाऊंगे। पिछले साल मैंने वीडियो बनाई थी इस ट्रैक्टर की, तो किसान से 1 साल का इनका अनुभव लेंगे, कितना इन्होंने चला दिया ट्रैक्टर, कैसा निकला, टोटल जानकारी। तो भाइयों मिलवा दे एक बार किसान भाई से। हाँ जी, क्या हाल है जी? बढ़िया जी, क्लास। तो 1 साल बाद मिले जी अब तो? बिल्कुल। तो भैया इस पर आपने एम बी प्लाउ भी चलाया प्रेशर वाला, और बटन रिवर्सिबल? हाँ रिवर्सिबल। और आप ये 8 फुटा मान जा आपका कंप्यूटर मान जा, जैसे ट्रैक्टर 65 HP का है न्यू लैंड का, ये 4-व्हील ड्राइव में है। तो 1 साल का अपना किसान भाइयों को अनुभव बताओ, ताकि बड़ा ट्रैक्टर लेने में आसानी रहे किसान को भी। इसका तोड़ दिया ट्रैक्टर का एवरेज वाइज पावर वाइज जी, ये हर तरीके से ट्रैक्टर जो है किसान के हित का ट्रैक्टर है। अच्छा अच्छा, लोग सोचते हैं कि बड़ा ट्रैक्टर है बहुत ज्यादा तेल खाएगा, तेल की कंडीशन होती है जी जी, जितना आप लोड दोगे उतना ही तेल खाएगा जी। और जैसे आप बिल्कुल आरपीएम का डिपेंड करता है मेनली, जैसे आप इसको 1400 आरपीएम पे चलाओगे नॉर्मली जी जी, ये बहुत ही अच्छा एवरेज देगा। अच्छा अच्छा, और मेन इस पे डिपेंड करता है ड्राइवर का आपका कितना स्मूथ ट्रैक्टर चला रहा है, कितना उसको एक्सीलेटर दे रहा है, कम कर रहा है, बार बार बढ़ा रहा है, घटा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका एवरेज बहुत फर्क पड़ता है जी जी। अब मतलब ड्राइवर को भी पता रहा है लोड है नहीं पीछे रहा है एक्सीलेटर पे, मतलब कि दे रहा वो भी तो गलत है। हाँ जी, जितना ट्रैक्टर आप स्मूथ चलाओगे जी जी, उतना आपका एवरेज बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा, एवरेज डिपेंड्स ओनली ऑन ड्राइवर जी जी जी। तो कितने घंटे चला दिया आपने? लगभग मैंने 2700 घंटे चला दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया चल रहा सर, एकदम सर्विस करवाने तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ जी, बाकी जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी ड्राइवर कोई गलती कर दे तो बात अलग है। अच्छा अच्छा, बाकी न्यू होलैंड ने ट्रैक्टर अब भी आ रहे नहीं? अब ये ट्रैक्टर बनाना बंद कर दिया न्यू होलैंड ने। अच्छा, बंद कर दिया, क्योंकि हम रिकमेंड करेंगे न्यू होलैंड कंपनी से जी जी, कि ये सीरीज बिल्कुल जारी रखे जी, ये सीरीज बिल्कुल किसान के फेवर की है। हाँ जी हाँ जी, और अगर ये वीडियो न्यू होलैंड वालों तक पहुंच जाए तो जरूर सुने। हाँ जी हाँ जी, ये सीरीज दोबारा निकाल ले मतलब। अच्छा अच्छा, अब इन्होंने बंद करके इसकी जगह और कोई सा मॉडल निकाला होगा? अब मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन ये बंद कर दी, मैंने 2-4 कस्टमर भेजे थे वहाँ कंपनी में भी जी जी जी, मेरा ट्रैक्टर देखने के बाद इसकी परफॉर्मेंस के बाद। हाँ जी हाँ जी, तो पूछा उन्होंने, मैंने कहा इसको ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी हाँ जी, लेकिन इस सीरीज का मुझे पता है इस ट्रैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, एकदम ट्रैक्टर जो है किसान के हित का ट्रैक्टर है। तो इस पे आपने फुल लोड पे देखा थी कुछ डीजल का? हाँ, फुल लोड पे एमबी ब्लाउ चलाओगे 3 बॉटम वाला हाँ जी जी, तो तभी आपका 6 लीटर पी जाएगा, 6 लीटर का एवरेज आएगा ठीक। वैसे रोड पे देखा हो जैसे आपको, रोड पे इसका बहुत कम खर्चा है। रोड पे मतलब जो आपका 3500 पावर ट्रैक्टर लेता है रोड पे, तो इसका खर्चा उसके इक्विवेलेंट है बिल्कुल। अच्छा अच्छा जी जी, लोग बागों में डर रहता है कि बड़ा ट्रैक्टर है पता नहीं क्या कर जाए जी, लेकिन इनकी पावर अधिक होने की वजह से डिपेंड करता है कि आप लोड को किस तरीके टैकल कर रहे हो जी। देखो जितना जोर लगाओगे आप, बड़ा ट्रैक्टर है हाँ, तेल बड़ा खाएगा जी जी, लेकिन अगर वहाँ पे भी आप स्मूथली चलाओगे उसको जी जी, तो लोड तो आराम से खींचेगा और आपका तेल खर्चा भी बचा देगा जी। अच्छा, इसमें अगर बात करें जी गियरों की,
तो लो हाई पूरे जो है आपके 15 गियर आगे पीछे रिवर्सिबल सब चलते हैं। मेन इसका सटल गियर है, सटल गियर दे रखा, इससे सब कंट्रोल होता है। ठीक ठीक भाइयों, कंपनी ने देखो एक तो इसमें सटल गियर दे रखा, ऊपर से दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देख लो, और लो हाई मीडियम में ट्रैक्टर है। ठीक है जी, 15 गियर रिवर्स और 15 फॉरवर्ड, और ऊपर के प्लेटफार्म की बात करें तो बहुत बढ़िया, काफी स्पेस है ऊपर भी। और कैनोपी जी इसके साथ में आई थी लगी भाई, साथ में आई थी। अच्छा अच्छा कंपनी से लगी भाई, फिटेड है, मैं पीछे से दिखाऊंगा एक बार। ये अगले टायरों का साइज हो गया इसका 11-2-24 का, हाँ जी MRF के टायर है इसमें, देख लो ट्रैक्टर कितना ऊंचा है। और पिछले टायर हो गए इसमें 16-9-30 के, 16-9-30 28 है। अच्छा 16-9-30 का है ना, 16-9-30। और पीछे तो देखो भाइयों कितना जानदार ट्रैक्टर बनाया वाले ने। और सबसे बड़ी बात है भाइयों कैनोपी साथ में दे रखी, ये देख लो छतरी भी। अभी जो है इसके पीछे कंप्यूटर मंजा जो है इसके बारे में और पता करेंगे। ठीक है जी, इंस्पेक्टर का इंस्पेक्टर का ये दूसरे नंबर पर है वर्ल्ड वाइज, वर्ल्ड वाइज हाँ जी, ये इंस्पेक्टर का है। ये बहुत हैवी फ्रेम में बना रखा है अभी, है ना, डबल सेट दे के रखा है इसमें, देख लो जी। ये जो मेरा सिस्टम है इसमें जो कंप्यूटर मान चलता है स्पेक्टर का है। अच्छा, ये मेड इन अमेरिका है, यानी कि इससे अच्छा जो है लेजर लैंडर आता नहीं है फिलहाल। अच्छा अच्छा, बाकी लोग बाग सस्ता ले आते हैं तो फिर उनका लेजर बीम जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जी जी जी, वो बबलिंग मारता है, मतलब जनरली उसका जो लेवल है इतना अच्छा नहीं आ पाता। अच्छा, तो मेरी जो भी भाई इस बिजनेस में आना चाहता है तो एक ही एडवाइज है, स्पेक्टर का ही ले, मतलब शुरू में थोड़ा महंगा पड़ सकता है लेकिन बाद में ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है इसकी। अच्छा अच्छा, आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा, बार बार मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। जी जी जी, और लॉन्ग लाइफ है एकदम। अच्छा, जब से मैंने लिया है मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें, कोई परेशानी नहीं। तो इसकी चौड़ाई 8 फुट है। ये मेरा मांझा 8 फुट है, ये मैंने बनवाया था 1/2 फुट में। अच्छा अच्छा, 1/2 फुट में बनवाया था। होती है जो मेन इनका ये होता है, ये इसका वो है ऑपरेट करने वाला। हाँ जी हाँ जी, ये जो लगा हुआ ट्रैक्टर पर। जी जी जी, और जो इसका रिसीवर ही है, रिसीवर यहाँ लग रहा है, ट्रांसमीटर तो आपका लगता है जो तिपाई पे लगता है। हाँ, वो तिपाई। जी जी जी, और सेट भी देखो कितना तकड़ा के रखा इसमें पूरा है। यो बाकी का पॉकेट आपने वहाँ बनवाया था, हापुड़ में बनवाया था, ये देख लो जी भाई, गट रोड पे। तो एक बार इसमें अपना नंबर और दे दो कोई किसान भाई। मेरा नंबर है 999 जी 727-1631। जी जी, जिस भाई को भी संपर्क करना है इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 999 जी 727-1631। तो क्या रेट चल रहा है जी? ये मेरा 1000 रुपए घंटे चलता है, 1000 रुपए घंटा। और अगर गवर्नमेंट से वो रिकमेंडेशन थोड़ा तेल सस्ता कर दे, हाँ जी, तो हम इसको बहुत सस्ता कर देंगे। हाँ बिल्कुल, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे जो है तेल के ऊपर डिपेंड करता है। जी सही बात है बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि किसानों के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे कुछ डीजल पे। हाँ जी हाँ जी, तो हम किसानों को जितना बेनिफिट हमें मिलेगा हम उतना तुरंत ट्रांसफर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी, बहुत बढ़िया बात की। तो भाइयों देख लो, ट्रैक्टर के बारे में भी और कंप्यूटर मांझे के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी, और जिस भाई को लगवाना हो उनसे संपर्क कर लियो, नंबर भी दे दिया। और MB प्लाउ का भी या आपको अगर वो रिवर्सिबल MB प्लाउ है, जी जी, जो बिल्कुल भी ऐसे कंप्यूटर में खेत में लग चुका है मांझा। हाँ जी जी, इसको बिल्कुल खराब नहीं करेगा वो। अच्छा, इसमें बिल्कुल बराबर चला तो सेम बिल्कुल चलेगा। उसका क्या रेट है? उसके बाद कंप्यूटर मांझेगी उसका वो है 700 रुपए बीघा, यानी कि 100 रुपए बिस्सा मानिए आप। जी जी, कहीं पे 5 बिस्से का है, कहीं पे 7 बिस्से का बीघा है। जी जी, तो 100 रुपए बिस्सा है। ठीक ठीक, तो भाइयों वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। नमस्कार।